में भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी सबसे प्यारी थी। वह मग्न होकर मधुर बांसुरी बजाते थे। वही उनकी बांसुरी की धुन को सुनकर लोग अपनी सुध-बुध खो देते थे। वही इस जन्माष्टमी विशेष में आज हम आपको ऐसे कलाकार से मिलवाने जा रहे हैं जो एक साथ दो बांसुरी बजाते हैं। जी हाँ, वैसे तो आपने किसी एक शख्स को कभी दो बांसुरी एक साथ बजाते हुए देखा है? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको उनके बारे में बताएंगे। छतरपुर जिले के गढ़ी मलहरा नगर में रहने वाले लालचंद्र रैकवार एक ऐसे कलाकार हैं जो अपनी कला से जगह जगह अपना लोहा मनवा चुके हैं। लालचंद्र रैकवार 15 वर्ष की उम्र से एक साथ दो बांसुरी बजाने की कला में पारंगत हैं। वैसे एक बांसुरी तो आपने बजाते हुए लोगों को देखा ही होगा, लेकिन एक साथ दो बांसुरी से राग निकालने की कला लालचंद्र रैकवार में है कि उन्होंने अपने गुरु से इस कला को सीखा था जब वह 15 साल के थे। वैसे हम आपको बता दें कि लालचंद्र रैकवार ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है और अपनी कला का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कई मंचों पे इस प्रदर्शन को दिखाया है और उनको इस मंच पर कई बार सम्मान मिल चुका है। लालचंद्र रैकवार को अपनी बांसुरियों से इतना प्यार है कि वह घर से निकलते ही अपनी बांसुरियों को अपने गले में लटकाकर चलते हैं। उम्र का एक पड़ाव देख चुके लालचंद्र एक बार बताते हैं कि अब उनके बेटों ने घर की जिम्मेदारी ले ली है, जिसके कारण अब वह अपनी मनोरंजन के लिए अपने हम उम्र साथियों के साथ बैठकर दो बांसुरियों से राग निकालकर अपना और साथियों का मनोरंजन करते हैं। लालचंद्र रैकवार अपनी वेशभूषा के लिए भी खासे चर्चे में हैं। भगवान कृष्ण जैसा सर पर गमछा बांधकर दैव्य शक्ति को इस पूरी कला का श्रेय देते हैं। लालचंद्र रैकवार ने बातचीत के दौरान बताया कि ये सब माँ शारदा एवं सरस्वती की कृपा है जो उन्हें एक साथ दो बांसुरियों बजाने की कला मिली है। इस कला ने उन्हें पूरे बुंदेलखंड अंचल में प्रसिद्धि दिलाई है। इसके अलावा उनके सिर पर बंधा गमछा भी भगवान श्री कृष्ण के जैसा बंधा हुआ रहता है। ये काम हम कर रहे बहुत छोटे थे, मतलब करीब करीब वही 15 साल के थे हम, जब से हम जो राग में प्रेम में बांसुरी में बजा उदरी और सुना उदरी सबका मनोरंजन कर दी सबको। ये हमने सीखी थी, हमारे भी गुरु गए थे संग वाले, तो भी बजाव करते हो जैसे ये मऊगर बजाव बजाए वाले, तो जो भी बजाव उतरे हम और जो बांसुरी बजाव उतरे हमने जो है। अक्सर हमने देखा है कि व्यक्ति एक बांसुरी बजाता है, आप दो एक साथ बांसुरी बजाते कैसे कर लेते हैं? हम तो शारदा मैया की देन है जा सरस्वती माता की, जो हमें उनने दई है और हम अपना जो काम करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा फिर और करते रहे अपने ये जो हमारा कास्ट चलत तू ना मृदंग, इसमें हम अपने गाना बजना करते रहते। लगभग कितने साल हो गया जो आप दो बांसुरी एक साथ बजाते हैं? हमें करीब करीब होगा वही 40 साल के लगभग। इसको लेकर कहीं आपको सम्मान मिला है, कुछ ऐसा हुआ है? ऐसा कहूँ होगा, जैसे हम आप कहते बसारी में जो बुंदेली उत्सव होते जो देवारियन वालों, हम अपनी देवारियन में गए, बहुत सो अपन का पुरस्कार जो है सम्मान मिलो। और तभी मतलब बसारी में हम जय बार अपनी मंडली ले गए, जय बार हमें पुरस्कार मिलो, जय बार हम मान सम्मान मिलो।